तो दोस्तों यदि हम आपसे पूछे कि आप YouTube पर क्यों आए हैं या YouTube पर आकर के आप वीडियो क्यों बनाते हैं, तो आप में से लगभग लोगों का जवाब यह होगा कि हम YouTube पर वीडियो बनाते हैं पैसा कमाने के लिए, थोड़ा बहुत हमारी पैसा कमाई हो जाए YouTube पर वीडियो बना करके। और दोस्तों आप सबको पता होगा कि इंसान का जितना भी आवश्यकताएँ होता है और जितना भी उसकी समस्याएँ होती है, लगभग आवश्यकता और समस्या को हल करने के लिए लगभग जगह में पैसा का ही जरूरत होता है, ये बात तो आप सबको पता है। इसलिए दोस्तों सब लोग चाहते हैं कि हम पैसा कमाएं, सब पैसा कमाना चाहते हैं अभी के समय में। और दोस्तों अपना इंडिया डिजिटल हो गया है और आगे भी डिजिटल हो रहा है और पूरा दुनिया भी डिजिटल हो ही गया है लगभग में। और दोस्तों इसके साथ साथ हमारे इंडिया में रहने वाले लोग भी डिजिटल हो रहे हैं, सब लोग चाहते हैं कि हम डिजिटली पैसा कमा सकें। कोई भी अब काम वगैरह करके ऑफलाइन में पैसा कमाना नहीं चाहता है, प्राइवेट जॉब्स में या सरकारी जॉब में पैसा कमाना नहीं चाहता है, क्योंकि उन सब जॉब के मुकाबले में YouTube अभी के समय में अच्छा खासा पैसा दे रहा है, ये भी बात आप सबको पता होगा। आप अगर YouTube पर वीडियो देखते हैं तो अच्छे खासे क्रिएटर्स आपको मिल जाएंगे जो कि YouTube से कमा करके अभी लाखपति करोड़पति बन चुके हैं। लेकिन दोस्तों उसमें मेहनत लगता है थोड़ा बहुत, मेहनत जब तक नहीं कीजिएगा तो कुछ भी संभव नहीं है। और दोस्तों आप सबको मैं एक बात बताना चाहूँगा कि YouTube पर कुछ ऐसे क्रिएटर्स भी हैं जिनके व्यूज मिलियंस में आते हैं और सब्सक्राइबर्स भी मिलियंस में हैं, लेकिन वो YouTube से अभी तक कोई भी पैसा नहीं कमा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, उनका नाम है दोस्तों संदीप महेश्वरी, इसको तो आप लोग अच्छे तरीके से जानते होंगे, जो कि अपना इंडिया का बिगेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर हैं। और इनके YouTube चैनल में दोस्तों 25 मिलियन से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, व्यूज भी मिलियंस में आते हैं, लेकिन वो अपने चैनल से कोई भी पैसा नहीं कमाते हैं। और दोस्तों यहाँ पर मैं एक बात आपको बता देता हूँ कि संदीप महेश्वरी जी अपने चैनल को मोनेटाइज किए हुए हैं, लेकिन दोस्तों वो अपने वीडियो का जो है ना मोनेटाइजेशन को ऑन नहीं करते हैं। यदि आपका चैनल मोनेटाइज है तो आपको एक बात अच्छे तरीके से पता होगा, जो भी यूट्यूब चैनल मोनेटाइज होता है उनमें अगर कोई भी वीडियो को अपलोड किया जाता है तो वहाँ पर सेकंड में आपको मोनेटाइजेशन ऑन ऑफ करने का ऑप्शन मिलता है, आप अपने वीडियो में मोनेटाइजेशन ऑन रखना चाहते हैं या ऑफ रखना चाहते हैं। तो वो संदीप महेश्वरी जी क्या करते हैं कि ऑफ रखते हैं, अगर आप मोनेटाइजेशन को ऑन रखेंगे तो आप जो है कि उस वीडियो से कमाना शुरू कर देंगे, आपको उस वीडियो से पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। और दोस्तों जो भी वीडियो का मोनेटाइजेशन ऑन होता है उसमें एड चलता है, ये भी बात आपको अच्छे तरीके से पता होगा, क्योंकि संदीप महेश्वरी जी चाहते हैं कि उनके वीडियो में एड नहीं चले। और पता है क्यों? क्योंकि अगर कोई भी पब्लिक उनके वीडियो में आता है वीडियो देखने के लिए, जैसे कोई मोटिवेशनल कैटेगरी का कि अपना टाइम को कैसे मेंटेन करे, तो उसे बस वही चीज़ को अपने माइंड के फोकस के साथ देखना है। संदीप महेश्वरी जी का ये सोच है कि जैसे कोई चाहता है कि हमारा टाइम कैसे बचत हो, इस रिलेटेड अगर उनका वीडियो है, अगर कोई पब्लिक उसके वीडियो को देखने के लिए आते हैं तो वो जो है कि वही चीज़ सिर्फ देखे, एड वगैरह नहीं चले, एड आने से माइंड भटक जाता है पब्लिक का। संदीप महेश्वरी जी कुछ इस तरीके से सोचते हैं, इसीलिए उन्होंने अपने चैनल को तो मोनेटाइज किया है लेकिन कोई भी वीडियो में मोनेटाइजेशन को ऑन नहीं करते हैं ताकि उस पर एड ना चल पाए, यही वजह है दोस्तों। तो कुछ क्रिएटर्स ऐसे भी हैं दोस्तों जो कि अपने चैनल से पैसा भी नहीं कमाते हैं, और सब तो लगभग पैसा कमाने के माध्यम से ही यूट्यूब पर आते हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कोई भी यूट्यूब चैनल को जब हम लोग मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करते हैं तो यूट्यूब उसको कितने घंटे में मोनेटाइज करके देता है। और आप सबको एक बात पता होगा कि कोई भी यूट्यूब चैनल से पैसा कमाने के लिए सबसे पहले उसे मोनेटाइज करना होता है, और मोनेटाइज करने के लिए दो क्राइटेरिया को हमें पूरा करना होता है, 1000 सब्सक्राइबर्स पहले अपने चैनल में कंप्लीट करने होते हैं और 4000 घंटे का वॉच टाइम अपने चैनल में कंप्लीट करने होते हैं पिछले 365 दिन में। अगर ये हम लोग कर लेते हैं तो हमारा चैनल मोनेटाइजेशन के लिए एलिजिबल हो जाता है। और दोस्तों जब भी हम लोग कोई भी यूट्यूब चैनल को मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करते हैं तो उसे यूट्यूब कितने घंटे में मोनेटाइज कर देता है, ये सवाल लगभग लोगों के माइंड में हमेशा बना हुआ रहता है। तो इसका जवाब है दोस्तों कि जब मैंने अपने यूट्यूब चैनल को मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई किया था, जिसमें अभी आप वीडियो देख रहे हैं, तो इसको जो है ना दोस्तों 17 घंटा लगा था मोनेटाइज होने में, यानी कि 11 बजे रात में मैंने इसको मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई किया था और शाम में 4 बजे मुझे YouTube की तरफ से मिला गया कि कॉन्ग्रेचुलेसन, आपका जो है कि चैनल मोनेटाइज कर दिया गया है, अब आप YouTube पार्टनर प्रोग्राम में शामिल हो गए। अगर इसको सिंपल भाषा में दोस्तों बोला जाए तो कोई भी YouTube चैनल को YouTube 24 घंटे के अंदर ही मोनेटाइज कर देता है, जैसे कि मेरा YouTube चैनल 17 घंटा में ही मोनेटाइज हो गया। तो मैक्सिमम टाइम जो है ना दोस्तों 24 घंटे के अंदर ही YouTube कोई भी चैनल को मोनेटाइज कर देता है। हाँ, इन केस ऐसा हो जाता है कि कभी कभी 24 घंटा या 24 घंटा से ज़्यादा भी लग सकता है, इन केस थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो जाने के, बग वगैरह हो जाने के बाद ऐसा होता है, लेकिन मैक्सिमम टाइम दोस्तों 24 घंटे के अंदर ही कोई भी YouTube चैनल को YouTube मोनेटाइज कर देता है, इतना आप लोग माइंड में रखिएगा। हाँ, कभी कभी अगर ज़्यादा भी टाइम लगे तो आप लोग घबराइएगा नहीं, एक घंटा दो घंटा आगे पीछे होते रहता है, ठीक है। और दोस्तों आप सबको एक बात पता होगा कि मेरा YouTube चैनल हाल फिलहाल में ही मोनेटाइज हुआ है, यदि आप लोग मुझे रेगुलर फॉलो करते हैं तब। और मोनेटाइजेशन को लेकर के जितना भी चीज़ मैंने किया, जितना भी प्रोसेस मैंने किया, जितना भी चीज़ों से मुझे गुजरना पड़ा, उन सब से रिलेटेड मैंने वीडियो बनाया है एक एक करके, और उसका प्लेलिस्ट मैंने बनाया है, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग उसे चेकआउट जरूर कर लीजिएगा ताकि आप भी फ्यूचर में कभी अपने चैनल को मोनेटाइज करें तो आपसे एक भी गलती
ना हो, क्योंकि दोस्तों कभी कभी YouTube क्या करता है कि मोनेटाइजेशन को रिजेक्ट भी कर देता है, अप्रूव नहीं करता है। आप लोग अगर अच्छे तरीके से फॉर्म वगैरह फिलअप नहीं करते हैं तो रिजेक्ट भी कर देता है। इसलिए जब भी अपने YouTube चैनल को मोनेटाइज कर रहे हैं तो उससे पहले आप लोग वीडियो एक बार जरूर देख लीजिएगा जाकर के, ठीक है। तो बस दोस्तों आज की इस वीडियो में यहीं तक। अगर वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को तुरंत से लाइक कर दीजिए, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, सोशल मीडिया से संबंधित, यूट्यूब से संबंधित इसी तरीके की वीडियो आगे देखने के लिए। और आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम सभी जगह आप मुझे फॉलो जरूर कर लीजिएगा, और मैं सभी जगह अपडेट रहता हूँ। कोई भी दिक्कत हो आप मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं हम आपसे फिर इसी तरीके के कुछ नॉलेजेबल वाले वीडियो के साथ, और वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद।